Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Basics Electricals and Marine Electrical Technology lecture series. So इस lectures में और first lectures में हम basics पे बात करेंगे. Okay? मैंने आपको last video में ही बताया था कैसे हमें electricals, machines and basics electricals पढ़नी है. मरीन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के 95% प्रीरिक्विजिट्स होनी बहुत जरूरी है. दिस सब्जेक्ट इज नॉट लाइक आईसी इंजिन एंड मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स. यहां पर आपकी एक एक एप्लीकेशंस में प्रीरिक्विजिट आएगी. ओके, हम उस पर बात करें. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डिस्कस आवर लेक्चर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एमटी? ओके, सो मरीन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी is actually a branch which deals with flow of current of different electrical machines and onboard ships. Okay, so current. So first of all, what is current? Okay, how can we define current? Okay, so current is nothing but it is just a flow of charges. Current is a flow of charge, or we can say flow of charge is called current. Suppose current, charge. Okay, and charge consists of two particles, that is positive charges and negative charges. And what is charge? Charge is the smallest particle of an atom. Okay, and what is the value of charge? For positive charge, equal to plus 1.67 into 10 power minus 19 Coulomb, where Coulomb is SI unit of charge. For negative charge, charge value is minus 1.67 into 10 power minus 19 Coulomb. Okay. So, actually, there are two types of charge. One is positive charge, one is negative charge. Why there are two types of charge? Because I have already told you that charge, what is charge actually? It is the smallest particle of an atom. Okay, there is a proton, existence of proton, and there is the existence of electron. Okay, suppose, कैसे हमें define करनी होगी current को? Okay, मैंने आपको एक definition बोला flow of charge is called current, but आपको practical समझ में आनी चाहिए हो क्या रही है. Okay, conductors में actually हो क्या रही है, मैं वो सारी चीज आपको बताऊंगा. Okay, suppose, okay, ये हमारे कंडक्टर. यहां पर हमारी बात करूंगा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट. सम पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ओवर देयर. दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज. ओके, पॉजिटिव चार्ज है. सो एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्जेस इज ओनली कॉल्ड करंट. अगर मैं इसे बोलूं, अगर ये हमारी फ्लो कर रही है, दैट इज ओनली कॉल्ड करंट. ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारी डिपार्टमेंट है, मरीन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैं इससे कंपेयर करूं, सपोज आपकी सी वाटर सिस्टम है. ओके, एंड ये हमारी वाल्व अरेंजमेंट है. ओके, एट सून एज यू ओपन द वाल्व, ओके, जैसे ही आपने वाल्व ओपन किया तो हमारी क्या होगी? फ्लो ऑफ सी वाटर टेक्स प्लेस. हमारी सी वाटर फ्लो होगी. ओके, मीन्स व्हाट? हमारी सी वाटर फ्लो मीन्स हमारी वाटर करंट है. यहां पर सेम हमारे यहां पर क्या है? चार्ज फ्लो है. जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सप्लाई किया, ओके, मैं बोल सकता हूं जैसे ही आप लोगों ने स्विच क्लोज किया तो हमारी क्या होगी? कंडक्टर्स में हमारे चार्ज फ्लो स्टार्ट होना होगा. ओके, एज सून एज मीन्स जो भी हमारी चार्ज फ्लो स्टार्ट होगी तो वही हमारी करंट होती है. ओके, सेम हम लोगों ने क्या किया? जैसे ही हमारे वाल्व ओपन हुई हमारी सी वाटर फ्लो. ओके, तो इसे मैं कहूंगा वाटर फ्लो एंड इसे मैं कहूंगा चार्ज फ्लो, एंड दैट इज कॉल्ड वाटर करंट एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. गॉट इट? इतनी आपको क्लियर है ना? अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट. ये हमारी क्या है? करंट मीन्स हमारी चार्ज फ्लो हो गया. अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, ओके, सो इसकी जो डायरेक्शन है, ओके, ये हमारी चार्ज की डायरेक्शन है. ओके, ये हमारी चार्ज फ्लो हो रही है तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सेम जो हमारी पॉजिटिव चार्ज की जो हमारी डायरेक्शन होती है, सेम हमारी इलेक्ट्रिक करंट की भी डायरेक्शन होगी. फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करनी है. सिनर्जी में ऐसी क्वेश्चंस, बेसिक्स क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल्स में. फर्स्ट तो आपको न्यूमेरिकल बेसिस पूछे जा रहे हैं वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स पे बेसिक्स प्रॉब्लम। ओके, थ्योरी में ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं। अगर हमारी कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रही है तो उसकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस क्या होगी, तो हमारी सेम डायरेक्शन होगी। ये तो हमारी चार्ज फ्लो कर रही है ना, ये हमारी चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस क्या होगी, सेम जो हमारी चार्ज की डायरेक्शन होगी वही हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, बट वेयर पॉजिटिव, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सपोज, सेकंड एग्जांपल, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। सपोज सम इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट इज नेगेटिव चार्ज, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज, -1.67 into 10 power minus 19 कूलम। Right? Now, again flow of charge, again flow of charge is called current, but now डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर हमारी ध्यान देने की बात होती है, यहां पर सभी मिस्टेक करते हैं जिसकी बेसिक्स क्लियर नहीं होती। यहां पर हमें बात करनी है, यहां पर मैंने क्या बोला, जो भी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट की भी सेम डायरेक्शन होगी, बट यहां ऐसा नहीं है। अगर हमारी नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ऐसे है, ओके, ए टू बी है, तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, दैट इज फ्रॉम बी टू ए। And this is what called the basics of current. Okay, ये हमारी current की basics होती है। Clear है? Okay, कभी नहीं भूलोगे, नहीं भूलेंगे। Now, अब मैं बोलूं कि भाई current में calculate कैसे करूं? Okay, आप लोग on board ships में जाओगे तो आप देखोगे भाई वहां पर current calculations की जा रही है। Okay, so हमारी current अब हम calculate कैसे करेंगे? Suppose ओके इसकी भी ना आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, बट सपोज आपने एज ए बीटेक फर्स्ट ईयर, ओके, या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप जो भी हो, तो व्हाट इज एक्चुअली करंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड टाइम, दैट इज q इज इक्वल टू it और i इज इक्वल टू q बाय t। बस इसकी मेरी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे हम नहीं करेंगे, कुछ चीज हम रट्टा नहीं मानेंगे, हर चीजों की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सपोज मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं, ओके, ये मेरी इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअली कलर अलग देता हूं, रेड, ओके, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। अब मैं बोलूंगा, अब मैं यहां पर खड़ा हो गया हूं, ओके, वैसे मुझे चार्ज दिख नहीं रही है, इमेजिनरी लाइन मुझे दिख नहीं रही है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कंडक्टर में जो हमारी पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रही है उसे मैं देखूंगा। ओके, तो ये मेरी इमेजिनरी लाइन है। ओके, सपोज मैं यहां पर 3 सेकंड तक खड़ा हूं, 5 सेकंड तक खड़ा हूं, मैं यहां तक 5 सेकंड तक खड़ा हूं, देख रहा हूं चार्ज कितनी फ्लो हो रही है। मींस हमारी, सपोज मैं 5 सेकंड यहां पर खड़ा हूं और इस कंडक्टर को ऑब्जर्व कर रहा हूं, हमारी चार्ज देख रहा हूं कितनी फ्लो हो रही है। ओके, मींस हमारी इस इमेजिनरी लाइन से, ओके, मींस हमारी 1 प्लेस टू 2 प्लेस हमारी चार्ज कितनी फ्लो हुई 5 सेकंड में। एक्चुअली दैट इज कॉल्ड करंट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करंट इज i इक्वल टू q बाय t। मैं यहां पर बोलूं 5 सेकंड में, 5 सेकंड में हमारी 40 कूलम्स चार्ज जो है a टू b ट्रैवल, मींस a टू b मींस ट्रांसफर हुई है 5 सेकंड्स में, तो हमारी करंट क्या हो जाएगी, 40/5, दैट इज 8। 5 सेकंड में हमारी 50 कूलम्स चार्ज फ्रॉम a टू b ट्रैवल की है, तो हमारी करंट क्या होगी, 10 एम्पियर्स, एंड यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर्स। इतनी क्लियर है? ये हमारी बेसिक्स है करंट की। ओके, ये हमारी बेसिक्स है करंट की। नाउ व्हाट इज वोल्टेज, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। कहीं भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुद्दा बन गई है। ओके, सभी लोगों को 80% स्टूडेंट्स, मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैम समझ में आती है, आईसी समझ में आती है, बट इलेक्ट्रिकल्स नहीं समझ में आते। बट इलेक्ट्रिकल्स की रूटी यही है, आपको मैं एमटी पढ़ाऊंगा कुछ समझ नहीं है, ओके, बीएमटी की डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, ब्रशलेस अल्टरनेटर की डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, सारी चीज समझा दूंगा, एक ही टर्म बोलूंगा एक्साइटर, स्टेटर, रोटर, कुछ समझ ही नहीं आएगी। आपको बोल रहे क्या बोल रहे हैं, फैकल्टी है, फैकल्टी जैसा कॉलेज पढ़ाती है वैसे ही पढ़ा रही है। ओके, मैं किसी कॉलेज को नहीं बोल रहा, बट एक्चुअली क्या वो भी ठीक पढ़ाते हैं, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको प्री रिक्विजिट दे बेसिक्स इलेक्ट्रिकल्स की। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे वोल्टेज की। वोल्टेज। करेंट पे हम लोगों ने बात किया, वोल्टेज पे हम लोगों ने बात किया। ओके, सो एक्चुअली वोल्टेज हमारी क्या होती है, और वी कैन से पोटेंशियल, पोटेंशियल वोल्टेज और पोटेंशियल, इसे मैं डिफाइन कैसे करूंगा। ओके, एक्चुअली मैं जो बोलता हूं आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, वोल्टेज एंड पोटेंशियल, इसे मैं डिफाइन कैसे करूंगा। सपोज ये हमारी एक पॉइंट है, दिस इज वन स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड ए, अब मैं डेफिनेशंस बोलता हूं, एंड वन मोर पॉइंट दैट इज पॉइंट इंफिनिटी। ओके, अब मैं डेफिनेशंस बोलता हूं। ओके, ध्यान से सुनना, द वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय द पॉइंट ए टू ब्रिंग द वन कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी पॉइंट टू द स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड ए, एंड दैट वर्क इज डन बाय ए इज कॉल्ड पोटेंशियल और कॉल्ड वोल्टेज। क्लियर, इजी लैंग्वेज। ओके, हमारी क्या हुई, जो भी हमारी एक्चुअली पॉइंट ए, ओके, हमारी सपोज चार्ज वन कूलम चार्ज इज पोजिशन एट इंफिनिटी पॉइंट। ओके, जो हमारी वन कूलम चार्ज है वो हमारी इंफिनिटी पॉइंट पे पोजिशन है। ओके, उसकी मीन्स वो वहां पर बैठा हुआ है चार्ज। ओके, पॉइंट ए है वो क्या बोलता है, वो बोल रहा है कि मुझे इंफिनिटी पॉइंट से वन कूलम चार्ज जो अपने पास लानी है। ओके, सो इससे कुछ वर्क डन करनी होगी। आप कॉलेज में क्रॉस कंट्री करते हो, ओके, 5 किलोमीटर्स की कॉलेज में रनिंग होती है, तो आपको क्यों क्या करना रहता है, आप स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हो एंड आप 2.5 किलोमीटर ऐसे ट्रेवल करते हो, फिर 2.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट ऐसे ट्रेवल करते हो, तो आपकी क्या है, कुछ आपने वर्क डन यहां पर किया। ओके, सेम हमारे यहां पर है। ओके, ये जो पॉइंट ए है ये हमारी क्या कर रही है, कुछ वर्क डन कर रही है टू ब्रिंग दी वन कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड वोल्टेज और पोटेंशियल। गॉट इट, क्लियर इट। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप। ओके, मैं बात करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस हमारी, सपोज ये हमारी 1 यूनिट है, ये हमारी मैं कंसीडर करके चल रहा हूं 1 यूनिट है। ओके, ये हमारी किसी एक की पोटेंशियल है। Okay, and same 1 coulomb charge is placed at another infinity point. Okay, same plus 1 coulomb charge is placed at some other infinity point. Okay, and again what this point, let it consider B, point B. Okay, again same thing. Okay, means what? Means I am trying to say you okay, what it actually means, what means point B, okay, the work done by point B to bring the 1 coulomb charge from infinity point to that specific point B is called potential। ये हमारी B की पोटेंशियल होगी, ये हमारी A की पोटेंशियल होगी। सो दिस इज डिनोटेड बाय BA एंड दिस इज डिनोटेड बाय BB। गॉट इट, इतने आपको क्लियर है। ये हमारी अदर यूनिट है, ये हमारी अलग यूनिट है, ये हमारी अलग यूनिट है। ओके, ये हमारी अलग यूनिट है, ये हमारी अलग यूनिट है, बट अब हमारे बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड जो भी हमारी हाइयर होगी, ओके, अगर हमारी पॉइंट बी हाइयर है तो बी माइनस बी है, एंड अगर हमारी पॉइंट ए हाइयर होगी तो बी ए माइनस बी। व्हाई, क्योंकि जो वोल्टेज होती है, ओके, जो हमारी पोटेंशियल जो होती है वो हमारी हाइयर टू लोअर होती है, जो भी हमारी करंट होती है वो हमारी हाइयर टू लोअर होती है। ओके, इतनी आपको क्लियर है। गॉट इट ना, हमारी करंट हो गई एंड हमारी वोल्टेज हो गई। Third and most important thing, in electrical there are 2 types of element, one is active element and other is passive element। एक्टिव एलिमेंट हमारी वो होती है जो हमारी डिलीवर करती है, ओके, वो सिर्फ देती है, ओके। तो हमारी जो वोल्टेज एंड करंट होती है वो हमारी एक्टिव एलिमेंट होती है, एंड पैसिव एलिमेंट हमारी जो होती है जो हमारी क्या करती है, लेती है, ओके। एक्टिव एलिमेंट हमारी क्या कर रही है, डिलीवर कर रही है, बट पैसिव एलिमेंट हमारी क्या कर रही है, स्टोर्ड कर रही है, गेन कर रही है, बट वक्त आने पे डिलीवर भी करती है। एग्जाम्पल, एक्टिव कि मैंने एग्जाम्पल दिया दैट इज वोल्टेज एंड करंट, ओके, बट हमारी पैसिव्स की एग्जाम्पल्स क्या है, लाइक रेजिस्टेंस, लाइक इंडक्टेंस, लाइक कैपेसिटेंस। व्हाट एक्चुअली कैपेसिटेंस इंडक्टेंस डज, क्या करती है, हम बोलते हैं ना कैपेसिटेंस क्या कर रही है, एनर्जी स्टोर्ड की है, उसने एनर्जी स्टोर्ड किया, दैट्स व्हाई इट इज अ पैसिव एलिमेंट। एंड करंट, वोल्टेज क्या करती है, ये हमारी जो भी लोड है, ओके, जो भी हमारी सोर्स टू लोड है वहां से हमारी फ्लो होती है, लोड पे हमारी फ्लो होती है, ओके, हमारी क्या होती है, सब कुछ सोर्स एंड लोड। यहां भी एक कॉन्सेप्ट आती है, व्हाट इज एक्चुअली सोर्स एंड लोड, ओके। मैं अगर बात करूं सोर्स की एंड लोड की, सोर्स इज एक्चुअली व्हाट योर जनरेटर, आपकी जो शिप्स में, ओके, जो आपकी शिप्स में जनरेटर है, मेन जनरेटर्स, इमरजेंसी जनरेटर्स, वो हमारे क्या है, सोर्स है। लोड हमारी क्या है, नेविगेशनल लाइट्स, वो हमारी लोड है, ओके। सो एक्चुअली तो हमारी जो करेंट्स होती है, वोल्टेज होती है, ये क्या करती है, डिलीवर करती है, ओके, ये हमारी क्या करती है, डिलीवर करती है। पावर की बात नहीं कर रहा, ओके, वोल्टेज एंड करेंट की, ओके। नाउ वोल्टेज हो गई, करेंट हो गई, अब मैं बात करूंगा ओम्स लॉ की, अब मैं बात करूंगा ओम्स लॉ की। अब आप बोलोगे कि सर क्या बच्चों वाली टॉपिक्स पढ़ा रहे हो, ओम्स लॉ ये भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ओके। एंड अगर आपको ये बच्चे वाली क्वेश्चंस लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करो, ओके, एंड आप खुद डेफिनेशंस अपनी, अगर नोट लेकर बैठे हो तो नोट्स में लिखो, या खुद मीन्स अपने मन में डेफिनेशंस को बोलो, ओके, एंड फिर मेरी डेफिनेशंस को मैच करो। अगर वो डेफिनेशंस करेक्ट होती है तभी आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, अगर आपको ओम्स लॉ पूछा जाता है तो, नहीं तो सेलेक्ट 90% सर्वेयर फेल्ड यू, ओके, विल फेल यू, ओके। तो व्हाट इज ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इफ फ्लो of voltage across two terminal is directly proportional to the current, that is called Ohm's law. Conditions, यहाँ पर mistakes क्या होती है, voltage directly proportional to current without any means law, okay. तो actually यहाँ पर हमारी pressure भी constant होनी चाहिए, temperature भी constant होनी चाहिए, with constant pressure and temperature voltage directly proportional to current, that is what called Ohm's law, ओके। एंड जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो हमारी कंडक्टेंस होती है, ओके, एंड दैट कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ओके। सो दैट्स व्हाई वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, ओके, ये आई होप ये आपको पता होगा, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऑलराइट। नाउ अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस। नाउ वोल्टेज पे बात किया, करंट पे बात किया, वोल्टेज करंट की मैंने रिलेशंस बताए, फिर एक नया टर्म आ गया रेजिस्टेंस। सो एक्चुअली व्हाट इज रेजिस्टेंस, बाइक चलाते हो एनएच पे बाइक चला रहे हो, या मींस टाउन एरिया पे आप बाइक चला रहे हो, तो वहां पर हमारी क्या होती है, आगे जो होती है स्पीड ब्रेकर्स लगी हुई होती है। तो आप बाइक चला रहे हो अचानक आपके सामने स्पीड ब्रेकर्स आती है, ओके, वो स्पीड ब्रेकर्स जो आपकी बाइक की स्पीड है उसे वो कम करती है, दैट्स व्हाई इसे स्पीड ब्रेकर कहा जाता है। सेम अब जो हमारी करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस उसको क्या करता है, अपोज करता है। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ओके, वो ट्राई करेगा कि वहां करंट जो है उसे वो अपोज करने की ट्राई करेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड रेजिस्टेंस, ओके। तो हमारी रेजिस्टेंस होती है, ओके। अब हमारी वोल्टेज भी हो गई, हमारी करंट भी हो गई, रेजिस्टेंस भी हो गई, अब हम बात करेंगे पावर। सो व्हाट इज पावर, पावर is equal to V into I. But again, this is mathematical, okay? But हम बात करेंगे प्रैक्टिकल पर. अब यहाँ पावर जो हमारी होती है, पॉजिटिव पावर भी हो सकती है एंड हमारी नेगेटिव पावर भी हो सकती है. पॉजिटिव नेगेटिव पावर जानने से पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर. अब हमारी इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? नेम इटसेल्फ इंस्टेंट. सपोज मैं बात करूंगा, ओके, सपोज मैं बात करूंगा, ओके, यह हमारी स्विच है एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड लोड. यह हमारी लोड है, ओके, यह हमारी लोड है एंड यह हमारी करंट प्रोब है, ओके, एंड यहां हमारी ये हमारी वोल्टेज प्रोब है. ये हमारी करंट प्रोब है एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड वोल्टेज प्रोब. मींस व्हाट, अगर हम स्विच क्लोज करते हैं, अभी हमारी स्विच इनिशियली में हमारी स्विच क्या है, ओपन कंडीशन पे. अब हम क्या करें, स्विच को क्लोज करते हैं, ओके, तब हमारे यहां पर करंट फ्लो होगी, ओके, एंड वो करंट हमारी कहां से प्रोड्यूस हो रही है? मे बी हमारी जनरेटर से करंट हमारी प्रोड्यूस हो रही है. मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारी सोर्स क्या है, जनरेटर. ओके, सोर्स हमारी क्या है, जनरेटर, मेन जनरेटर, आपकी शिफ्ट्स की मेन जनरेटर, इमरजेंसी जनरेटर. ये हमारी क्या है, ये सोर्स है. लोड हमारी क्या है, सपोज नेविगेशनल लाइट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट मींस एप्लीकेशंस जहां इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, उसे ऑपरेट करने में वो हमारी क्या है, लोड है. ओके, तो सोर्स टू लोड. ओके, तो हमारी जो भी करंट हमारी जहां से आ रही है वो हमारी सोर्स है एंड ये हमारी कहां जा रही है, लोड पे. ओके, तो as soon as we close the switch, current is starting flowing from source to load. Current is actually started flowing from source to load. Okay, जो भी हमारी सोर्स है, सोर्स होगी जनरेटर, जहां से हमारी जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिक्स के बाद हम आएंगे. ओके, इतनी आपको क्लियर है? ओके, तब हम लोगों ने स्विच क्लोज किया तो यहाँ पर हमारी करंट कुछ वैल्यू आएगी. ओके, ओके, यहाँ पर सपोज आफ्टर 2 सेकेंड, एग्जैक्ट 2 सेकेंड पर मैं एग्जैक्ट 2 सेकेंड पर इस प्रोब पे करंट जो होगी आफ्टर 2 सेकेंड, इस प्रोब पे कुछ स्पेसिफिक करंट होगी, वैल्यू ऑफ करंट होगी I1. ओके, एंड उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1 होगी. ओके, एंड दैट इज P इज इक्वल टू V1 इंटू I1. दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर एट सम इंस्टेंट. ओके, मैं इसे 2 सेकेंड्स पे भी मीन्स इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर सकता था, एट 3 सेकेंड, एट 5 सेकेंड, एट मिली सेकेंड. ओके, तो मीन्स इंस्टेंटली हम लोगों ने क्या किया, इस प्रोब की करंट रीडिंग लिया एंड इस वोल्टेज प्रोब की वोल्टेज रीडिंग किया एंड दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें पावर आई. So that is what called instantaneous power. And there are 2 types of instantaneous power, that is positive power and negative power. One is positive power and second one is negative power. Again, how power can be negative? Okay, yes, power can be negative. Okay, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजें आज ही तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं एक लेक्चर्स में. ओके, सो पॉजिटिव पावर की अगर मैं बात करूं तो अगेन पॉजिटिव पावर क्या है, जो भी हमारी पावर जनरेट हो रही है अगर हमारी इज ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू लोड, दैट इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव पावर. ओके, एंड थर्ड थिंग मैंने यहां पर पॉजिटिव लिखा एज वेल एज नेगेटिव लिखा. पॉजिटिव नेगेटिव ये आ कैसे है, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव हमारी पावर जनरेट कैसे हो रही है, हम उस पर बात करेंगे. इतना आपको क्लियर है? Now suppose okay, मैं वोल्टेज एंड करंट की सेमीस्टूडियल वेव कर रहा हूं और जो इंस्टेंटेनियस की जो पावर होती है, जितनी हम बात कर रहे हैं सारी अल्टरनेटिंग करंट के बेसिस पे यहां बात हो रही है. डायरेक्ट करंट पे हम बात नहीं करेंगे, सारी चीजें अल्टरनेटिंग करंट पे बात होगी. ओके, सो अल्टरनेटिंग करंट में हमारी क्या होगी, साइनसोइडल वेव होती है. अगर मैं वोल्टेज या करंट, सपोज मैं करंट्स की अगर साइनसोइडल वेव की अगर हम बात करूं तो ये हमारी करंट की साइनसोइडल वेव होगी. वोल्टेज की बात करूं, अगर मैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करूं, मींस जो हमारी लोड है वो हमारी प्योर रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं उसकी ग्राफ बनाऊंगा तो हमारी इन फेज होती है। वोल्टेज एंड करंट हमारी क्या होती है? इन फेज होती है। अगर ये हमारी करंट है तो ये हमारी वोल्टेज होगी इन फेज। अगर हमारी करंट हाईएस्ट होगी तो हमारी वोल्टेज हाईएस्ट होगी। अगर हमारी करंट जीरो होगी तो हमारी वोल्टेज जीरो होगी। अगर हमारी करंट नेगेटिव होगी तो हमारी वोल्टेज भी नेगेटिव होगी। गॉट इट? मीन्स हमारी पॉजिटिव टू मैक्सिमम टू जीरो टू नेगेटिव, ओके, ये इन फेज होगी। दैट इज कॉल्ड प्योरली रेजिस्टिव। गॉट इट? ओके, अगर मैं इस पर इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करूं, ओके, अगर मैं इस पे इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करूं, अगर मैं यहां पर इस इंस्टेंट पे अगर हम बात करेंगे तो हमारी वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव है। P equal to V into I, that is पॉजिटिव पावर। इस इंस्टेंट पे अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमारी करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाइड, दैट इज पॉजिटिव पावर। तो हमारी यहां पर क्या है? सिर्फ मुझे पॉजिटिव पावर मिल रही है। तो अगर मैं इसकी पावर की मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो हमारी कैसी वेव फॉर्म होगी? पावर की हमारी वेव फॉर्म जो होगी हमारी ऐसे होगी। ये हमारी पावर की वेव फॉर्म है। ये वेव फॉर्म कैसे जनरेट हुई? क्योंकि मैंने करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया। ये भी हमारी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हमारी क्या होगी? पॉजिटिव पावर होगी, क्या हमारी पॉजिटिव होगी। बट इन केस ऑफ इंडक्टर्स, इन केस ऑफ कैपेसिटर्स, वहां पर हमारी वोल्टेज एंड करंट हमारी आउट ऑफ फेज होती है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है। ओके, वहां पर ऐसी केस नहीं होती। ओके, तो वहां पर हमारी नेगेटिव पावर डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लू, सपोज इन कैपेसिटर करंट इज लीडिंग द वोल्टेज। करंट हमारी लीड करती है कैपेसिटर में। ये सारी चीजों पे भी आऊंगा। ओके, मैं आपको बता रहा हूं। सपोज दिस इज व्हाट कॉल्ड वोल्टेज। ओके, तो हमारी जो करंट की आप अगर वेव देखोगे तो ये हमारी 90 डिग्री से हमारी लीड करेगी। ओके, ये हमारी करंट है। नाउ अब हमें इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी है। सो इंस्टेंटेनियस पावर हमारे यहां पर पॉजिटिव भी आएगी, यहां पर नेगेटिव भी आएगी। सपोज मैं इस इंस्टेंट पर दोनों की इंस्टेंटेनियस पावर, अब तो मैं जहां पर ये पॉइंट करेंगे वो नीचे हम करेंगे, वो हमारी करंट होगी। ओके, तो ये हमारी वोल्टेज, ये करंट है, दोनों पॉजिटिव है, तो हमारी पॉजिटिव पावर P इक्वल टू V इंटू I। बट इस इंस्टेंट पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके, करंट की प्रोब एंड वोल्टेज की प्रोब को मैं इस इंस्टेंट पे कंपेयर कर रहा हूं। यहां पर हमारी वोल्टेज हमारी क्या है? पॉजिटिव, बट करंट हमारी नेगेटिव। तो हमारी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। दैट्स वाई आई कॉल्ड नेगेटिव पावर। तो हमारी पॉजिटिव पावर भी होती है एंड हमारी नेगेटिव पावर भी होती है। पॉजिटिव पावर हमारी सोर्स टू लोड, बट नेगेटिव पावर फ्रॉम लोड टू सोर्स। इस फिनोमिना पे भी हम आऊंगा। ओके, इस फिनोमिना पे भी हम डिस्कस करेंगे लेटर। ओके, तो आज हम लोगों ने करंट देखा, वोल्टेज देखा, रेजिस्टेंस देखा, पावर देखा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड पावर फैक्टर्स। ओके, आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी, कहीं भी, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी पेज को फॉलो करें। ओके, वहां पर मैं राइटिंग कंटेंट मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। शॉर्ट हमारे इंटरव्यू वीडियो, लेक्चर्स और इन शॉर्ट वीडियोस में वहां प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। Let's learn and grow together with Marine Auxiliary Machine. Thank you.